प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए कुछ हम इसके उदाहरण देखते हैं, उसके बाद इसके नियम देखेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला एग्जांपल आपके सामने, ही हैज गॉन। फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हो ना आप, ही हैज गॉन। ये ही जो येलो अक्षर है पीले कलर में, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन चीज यहाँ देखना, ही एक वचन है इसलिए यहाँ पर एच ए एस हेज आया। गोन कहाँ से आया, जी ओ गो, गो का मतलब होता है जाना। यहाँ गो की थर्ड फॉर्म है गोन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म, इसलिए एक वचनकर्ता के बाद सहायक क्रिया के रूप में एच ए एस हेज लिखना होगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी होगी। इसी का बहुवचन रूप आगे देखिए, दे हैव गॉन। दे वे बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, इसलिए ये येलो में चेंजिंग आई ना, इधर हेज था और यहाँ क्या आया, हैव। दोनों को कंपेयर करते रहो आप, हाँ तुलना करते रहो। एक वचन करता था इसलिए पीछे आया हैज, यहाँ दे बहुवचन है इसलिए इसके बाद में आ रहा हैव, एच ए वी ई हैव। यही मोस्ट बात आपको याद रखने की है कि एक वचनकर्ता के बाद हैज और बहुवचनकर्ता के बाद हैव, ये परमानेंटली लिखना पड़ता है। इसके बाद क्रिया का रूप आ जाएगा थर्ड फॉर्म, जी ओ एन ई गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, और यहाँ ही हैज गॉन का मतलब था वह जा चुका है। अब नीचे तीसरे नंबर का सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है। ही एक वचन है इसलिए उसके बाद है जाना ही था, और नॉट नहीं गया इसलिए नॉट आया है, समझ गए, नहीं वाले वाक्य में हमें नॉट और ऐड करना है। ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला देखिए, दे हैव नॉट गॉन, दे वे बहुवचन और हैव बहुवचन के बाद हैव आता था इसलिए आया है, और वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ पर नॉट आया है। दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं, वे काम को कंप्लीट नहीं कर चुके हैं। ओके समझ में आई, इन एग्जांपल्स को एक बार आप कंपैरिजन करना, तुलना करना, आपको पता चल जाएगा कि नियम में क्या परिवर्तन हुआ। अब कुछ एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही। हैज ही गॉन, हमें पता ही है कुछ है इसलिए है जाना था, लेकिन पहले क्यों आया, आपने याद हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, उस समय भी ये बात पढ़ी थी कि सहायक क्रिया को वाक्य के पहले लिखने पर, सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले अगर सहायक क्रिया लिख देते हैं तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, प्रश्न। अब सॉरी मैंने यह क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया था, ये मेरी गलती हो गई इसमें, अब ध्यान आया मेरे को। तो हैज ही गॉन, गॉन के बाद प्रश्नवाचक मार्क होना चाहिए था, मैं नहीं लगाया, आप ध्यान रखना इस बात का। हैज ही गॉन प्रश्न बन गया, हैज पहले आया इसलिए क्वेश्चन हो गया, और इसका मतलब क्या वह जा चुका है। अब इसको हम बहुवचन में देखते हैं, हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं, बस और कोई चेंजिंग नहीं है। कर्ता के पहले सहायक क्रिया लिखते हैं वो प्रश्न बन जाता है, और सहायक क्रिया को कर्ता के बाद लिखते हैं तो सामान्य वाक्य हो जाता है। हैव दे गॉन का मतलब हो गया क्या वे जा चुके हैं, अगर इस हैव को दे के बाद लिखते हैं तो दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, ये मतलब होता है, समझ में आ रही है। आगे ऐसे दो वाक्य हो रहे हैं, हैज ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं जा चुका है, हैज पहले आ गया इसलिए प्रश्न बन गया, इधर हैज की जगह आगे क्या आ रहा है बहुवचन में, हैव, हैव दे नॉट गॉन, क्या वे नहीं जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों समझ नहीं आए तो बाकी इसको वीडियो को रोक रोक करके आप पढ़ना, दो तीन बार सुनना, आपके समझ में आ जाएगा कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं। अब इन्हीं उदाहरणों के आधार पर हमने कुछ नियम बनाए, गोल्डन रूल्स। क्या नियम बना, पहला नियम बना ही सी इट या एक वचन नाम हो किसी का तो उसके बाद ये लाल अक्षर दिख रहा ना वो सहायक क्रिया में हैज का प्रयोग होता है। इसका हैज का प्रयोग कहाँ होता है, ही सी इट या बहुत एक वचन का करता हो तो, और ये वी का मतलब होता है वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का कौन सा रूप आता है, थर्ड रूप,
थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और बाद में कोई भी चीज जो बची हुई है या कर्म है वो आगे हम लिखते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का शेष भाग आगे लिखते हैं। पहला नियम समझ में आ गया, मैं और बोल देता हूँ एक बार, ही सी इट या एक उचित नाम हो तो उसके बाद हैज, हैज के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद शेष बची हुई चीजें लिखते हैं। बहुवचन का नियम है, दे वी यू या बहुवचन, बहुवचन के कोई नाम हो, एक से अधिक नाम हो तो उनके बाद हैव आता है। सॉरी मैंने बहुत गलतियां कर दी, यहाँ पर हैज की जगह हैव आना था और क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट उसके बाद आना था। और ही सी इट या किसी का नाम हो उसके बाद हैज और आगे नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म। या फिर इसी प्रकार यू दे वी या बहुवचन नाम हो तो उनके बाद हैव और नॉट और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनको दो तीन बार सुनना आपके समझ में आ जाएगी। एक मोस्ट बात और है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम अंग्रेजी में पहचान देखें वाक्य की, तो ये शब्द उसमें जरूर बार बार आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे ऑलरेडी शब्द है, बिफोर शब्द है, जस्ट है, येट या स्टिल, इनका ये शब्द जरूर प्रयोग किए जाते हैं। आपके अगर करेक्ट फॉर्म बनवाया जाता है बोर्ड की परीक्षा में तो आप ये शब्द आ रहे हैं तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो सकता है, और इन शब्दों के साथ में लगभग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा था ना ऑलवेज, सेल्डम या ऑफन, इस तरह के, तो वैसे शब्द ही प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, उनको आपको करना है हेल्प खुद को ही। फिल इन द ब्लैंक्स हैज और हैव, हैज या हैव का प्रयोग आपको करना खाली स्थान में, ब्लैंक्स में, जैसे ही खाली स्थान, गॉन, जस्ट, जस्ट शब्द आया तो कौन सा टेंस होना चाहिए, हैज आएगा या हैव आएगा, दोनों में से यहाँ सब्जेक्ट को देखे वरना है। इसी प्रकार दे रन नाउ, इसी प्रकार वी खाली स्थान, कम ऑलरेडी, इसी प्रकार आपके है ये क्या नाम से, सी खाली स्थान, इवन बिफोर मी हैज यू करना है, वी खालिस्तान, कम ऑलरेडी खालिस्तान करना आपको, आई के बाद क्या आएगा, इसी प्रकार एक वचन नाम है आर्यन, ये देख के भरना है। इसी प्रकार नीचे यू खालिस्तान हैज यू, जो भी होगा वो आपको इसमें देख के भरना है। वीडियो को रोक लिया करो आप अगर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो, रोक के फिर लिख लिया करो सेंटेंस को। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सामान्य बातें, आप समझ में आई होगी आपके। गुड बाय, thanks for watching.